रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास नींदे ही नहीं रातों के पास चलते रहे मोहब्बत ही है तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोली सपनों की ओट में। अच्छा बस ठीक है, लेकिन वो जो पहले वाली है ना उनको तुम ये मत बताना कि मैं तुम्हें 2,500 रुपये दे रही हूँ महीने के। उनको 1,500 का ही कहना। 1,000 रुपये मैं अपने पास दे दिया करूँगी हर महीना। ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी माँ को अपने पास ले आऊँ, उनकी देखभाल करूँ। सदा से एक लाओबाली लड़की है। कराची तो याद आता है। और हम? Of course. आप भी याद आते हैं। वैसे भाभी आप गलतफहमी में मत रहिएगा, आपकी नंद भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। शाहीन को मैं इस घर में लेके नहीं आई, आतिफ लेकर आए थे। और जब वो जाने का कह रही थी तो आतिफ ने रोका था जबरदस्ती। अब मैं कैसे कह दूं कि वो चली जाए इस घर से। सपनों की ओट में। शाहीन तुम्हारा सेंटर कैसा चल रहा? बस ठीक ही चल रहा है। वक्त को बहुत कमजोर समझने लगी। पहले लाजिम था जो हर वक्त मेरे साथ रहता था, और दूसरी तरफ रबानी साहब की मुझे बहुत सपोर्ट थी। लेकिन अब वक्त को बहुत कमजोर और तन्हा समझने लगी। ये बात तो है, लेकिन तुम्हें अब्बा जान ने ऑफर दी थी और ऑफर अभी तक वैलिड है। तुम चाहो तो उनकी हेल्प ले सकती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम आदमी? अंकल बहुत शरीफ आदमी, उनको मैंने ये कह के तो बहला दिया था कि मैं बेसहारा औरतों के लिए सेंटर चलाती हूँ। लेकिन हकीकत तुम जानते हो जो इससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। हाँ ये बात तो है। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा, अगर अंकल को मैंने सेंटर में इन्वॉल्व कर लिया तो उनका आना जाना शुरू हो जाएगा, और खुद आना हमारा। अगर उन्हें मेरे और एरम के मासी के बारे में पता चल गया तो मेरी तो खैर है, मैं तो खैर हूँ। लेकिन अपना सोचो, एरम का सोचो, एरम के लिए बहुत बुरा हो जाएगा और खुद तुम्हारे लिए। हाँ कह तो तुम ठीक रही, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अब नॉर्मल लाइफ की तरफ पलटने लगी, सेंटर भी ज्वाइन कर लिया, लिहाजा मैं अपने लिए कहीं और रिहाइश का बंदोबस्त भी करें। शाहीन तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात जहन में रख कि तुम इरम की बेहतरीन दोस्त हो, और इरम आज जो ये इज्जतदार जिंदगी गुजार रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम। और दूसरा ये कि तुम राजिम की मंगेतर थी, और राजिम मेरा बहुत अजीज दोस्त था। तुम्हारा काम बहुत खतरनाक है, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को और इरम को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मुझे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जान चली जाएगी। अच्छा जान चली जाएगी, जिंदगी से छुटकारा। जी बीबी जी, वो मैं कल आई थी, आप घर पे नहीं थी। आपके भावच से मेरी बात हो गई है। क्या बात हो गई है? वैसे बीबी जी आप बहुत अच्छी हैं, वो पहले वाली बातचीत तो बहुत कंजूस थी, 1500 से आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अच्छा बस ठीक है, लेकिन वो जो पहले वाली है ना उनको तुम ये मत बताना कि मैं तुम्हें 2,500 रुपये दे रही हूँ महीने के। उनको 1500 का ही कहना। 1,000 रुपये मैं अपने पास दे दिया करूँगी हर महीने। वही 1,500 रुपये। अच्छा, और जब मैंने तुमसे कहा था 1,500 ले लो तो उस वक्त तो तुमने मना कर दिया था। वो बाजी मुझे एक जगह से ऑफर आई थी 2,500 की, लेकिन वो बाजी अपनी जबान की पक्की ना निकली। जब मैं कल गई उसके घर काम करने, उसने ऊपर से मुझे बहुत सारे काम बता दिए, इसीलिए। वैसे मैं आपसे ही मिलने आई थी,
लेकिन आपकी भावच से मेरी बात हो गई है। वो कह रही थी कि अगर बाजी ने बात कर ली है तो एक पैसा नहीं बढ़ा के दूंगी। वैसे बाजी एक बात है, आपकी भावच आपसे डरती बहुत है। अच्छा अच्छा, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे ये फजूल बातें करने वाली मासियां सख्त नापसंद हैं। सीधे आओ, अपना काम करो और घर जाओ। बाजी मुझे भी आदत नहीं है फजूल की बातें करने की। अच्छा अच्छा, चलो मेरे साथ किचन में। अहमद, तुमने बहुत अच्छा किया आज मुझे घर से बाहर ले आए, वरना इस वेयर मैं तो बहुत डिप्रेस फील कर रही थी। मुझे एहसास है इस बात का, जब से हमारी शादी हुई है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हुए जा रहा है। हमने सही से खुल के इंजॉय भी नहीं किया, इसीलिए हालांकि आज ऑफिस में काम बहुत था, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें आज घुमाने निकल ही पड़े। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने इस वक्त पे जितना मेरा साथ दिया है, मैं बहुत लकी फील करती हूँ। छोड़ो इन बातों को। अरे हाँ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना तो भूल ही गया। खुशखबरी क्या? आफिया की इनकार में जो पोस्ट थी ना, वो अब मुझे मिल गई है, यानी कि अब मैं चीफ एडिटर बन चुका हूँ। really? इसका मतलब है तुम्हें नई गाड़ी भी मिल जाएगी। हाँ, और मेरे ख्याल तनख्वाह भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या अब आफिया वापस नहीं आएगी? यार फिलहाल तो नहीं आएगी, क्योंकि उसको जो खतरात थे वो पूरी तरह से टले नहीं है। इसका मतलब है कि जो खतरात उसे थे वो तुम्हें भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, उसको जो खतरात थे वो तो उसकी टीवी शोज की वजह से थे, और मैं ऐसा कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, हम जर्नलिस्ट लोगों को खतरात का सामना तो करना पड़ता है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। नहीं अमर, प्लीज, मैं ऑलरेडी अपने दो भाइयों को और फादर को खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप कुछ फिक्र मत कर। नहीं नहीं नहीं, अब्बू से ये बात मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती तो मैं कर लेती हूँ। मैं एक काम करूँगी, जब तुम कल सौदा लेने के लिए बाहर निकलोगी ना, तो मैं किसी बहाने से तुम्हारे घर आ जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारे अब्बू से बात कर लूंगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप मेरे अब्बू से मत मिलना, वो आप ऐसा करना मेरी भावच से मिल लेना, उनको सारी बात बता देना, फिर वो मेरे अब्बू से कर लेंगे। चलो ये भी ठीक है, लेकिन तुम ये सोच रही हो कि शायद तुम्हारे अब्बू ये समझेंगे कि तुमने मुझे भेजा है। जी जी जी, यही बात है। तुम फिक्र ना करो, मैं ये मैसेज तुम्हारी भावच के जरिए ही तुम्हारे अब्बू तक पहुंचाऊंगी। मैंने उसे बहाने से बाहर भेजा है। जी। तुम लोगों पर हम का ऐसा पहाड़ टूटा है, ऐसा टूटा है कि जब तन्हाई में तुम होगी तो किसकी बात करो? राजीव की है? अब वो बल्कि मुझे तो कि तुमसे ताजियत भी नहीं कर पाया मैं राजीव की। जी शुक्रिया। तुम्हारा कुमलाया हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता शन्नू। शाहीन? हाँ शाहीन, वो 19 ग्रेड का अफसर था ना, तो रोजाना सैकड़ों दफा जब डिक्टेशन देता था तो शॉर्ट हैंड में देता था। अब तो हर जमाना बदल गया, इस वजह से बस आदत हो गई है।
अच्छा होगा, सब्र करो। नहीं शाहिन नहीं, अंकल ऐसा नहीं हो सकते। वो तो तुमसे बेटियों की तरह मोहब्बत करते हैं। नहीं नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा अपना एहसास है। तुम भी तो जिस किस्म के हालात में रही हो, जिस किस्म के मर्दों से तुम्हारा वास्ता पड़ा है, तुमको हर मर्द एक होलनाक भेड़िया लगने लगा है। शफकत से सर पे रखे हुए हाथ भी तुमको एक खौफनाक रीट के हाथ मालूम होते हैं। तुमको ये एहसास ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे सर पे किसी बुजुर्ग का साया ही नहीं रहा। तुम क्या जानो कि बाप की शफकत या किसी के बुजुर्ग के सीने से मोहब्बत से लग जाना। और शाहिन, तुमको शर्म आनी चाहिए। किस किस्म की सोच रखती हो तुम? तुमने एक ऐसे मोहब्बत करने वाले, हाँ नहीं, आतिफ के वालिद और अपनी प्यारी दोस्त के ससुर के बारे में ऐसा सोचा? गंदे घटिया दिमाग की हूं मैं। उफ अल्लाह, क्या करूं, क्या करूं मैं? आ रही हूं, आ रही हूं। ओहो, आ गए हमारी बहू को घुमा फिराकर। जी जी, पूछ लीजिए। इतना घुमाया फिराया कि अंदर दो माह तक फुर्सत हो जाएगी। जी अम्मा, आज तो वाकई में एमर ने बहुत घुमाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं दिल चाहेगा ना, तो मैं आपसे कहूंगी, वरना ये तो मुझे कहीं लेकर नहीं जाएगा। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जब तक मैं हूं ना, इसके कान पकड़ कर तुम्हारी खातिर करवाऊंगी। अम्मी, अम्मा कहाँ है? बेटा, अम्मा सो रही हैं। मैं बहुत देर तक उनसे बातें करती रही, अब वो सुकून से सो रही हैं। और तुम्हारी कमी का तो मैंने एहसास भी नहीं होने दिया। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। फिकर मत करो, अपनी मासी होगी। तबाह करो अभी, कब्बल समय तो उठा के बाहर फेंकता हूँ उसे। एक मिनट, बेचारी थक के यहाँ सो गई होगी, वैसे भी उसके रूम में अम्मा ने कब्जा जमाया था। रहने दो। ओह, नींद से उठा दिया। शाम से दोनों बुढ़िया बातें किए जा रही हैं। मैंने सोचा मैं आपके ही कमरे में सो जाऊं। अब मैंने आप लोगों के लिए जगह भी रखी है ना। भैया आप वहां सो जाएं और भाभी आप मेरे पास सो जाएं। सो जाए ना, आपकी मर्जी, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। हेरो अभी से कान से पकड़ के बाहर निकालता हूँ। चलो उठो। हाय, मैं देख रही हूँ कितना जुल्म कर रहे हैं। भाभी, ये सिर्फ आपकी वजह से मुझे कान पकड़ कर कमरे से निकाल रहे हैं। मैं आपको देख लूंगी। कितनी जालिम भाभी है, नंद पर जुल्म हो रहा है और आप हंस रही हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर आपको दोनों को मैं देख लूंगी। चलो मजलूम नंद, निकलो। बड़ी नहीं होगी। शाहिन, तुम उन बदनसीब लोगों में से हो, शायद सबसे ज्यादा मेरे मजालिम और ज्यादतियों का शिकार कुछ हो। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इतना सब कुछ सहने के बाद भी मुझे माफ कर दो।
कर दो। मुझे तो ये जगह अच्छी लग रही है। एक तो ये कि काफी पुरसकून इलाका है और दूसरा शहर से भी करीब है। मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म तो नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि तुम मेरी पहली क्लाइंट हो जिसको मैं ये प्लॉट दिखा रहा हूँ। क्लाइंट? हाँ तो क्या, और क्या कहूँ तुम्हें? सर तो तुम मेरी क्लाइंट ही हो। राजन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेकर आई हूँ। मेरी अंग्रेजी इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि प्रपोज तो लड़के करते हैं। कब तक इस तरह रो रो कर अपने जाने का काम करती रहो? जा रहा था तो मैंने देखा कि ये उदास खड़ी हुई है, वो भी नहीं। बेहतर है कि तुम आ जाओ और उसको बल्कि कुछ कॉफी वगैरह पिलाओ कि अच्छा असर पड़े। आतिफ, शाहीन की हालत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया उसे? आतिफ, हम शाहीन को यहां जिस मकसद के लिए लेकर आए थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। वो नहीं संभाल पा रही है खुद को। हम जाएं, जाके उसकी हालत तो देखें। रात के इस वक्त वो वहां खड़ी हुई रो रही है। तो इत्तेफाक से मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो रो रही है, फूट फूट के रो रही है। अब्बा जान वहां थे, उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और जब मैं सामने गई तो बिलक बिलक के रोती। बड़ी मुश्किल से मैं उसको उसके कमरे तक छोड़कर आई हूं। मैं क्या करूं, कैसे संभालूं उसको? समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। उसकी इसी हालत की वजह से मैं उसे यहां लेकर आया था। हम सबकी मौजूदगी में भी उसकी यह हालत है तो अगर अकेली रहेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? आतिफ, आप समझ नहीं रहे बात को। आप ठीक कह रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो सोचें कि हम कब तक उसको यहाँ रख पाएंगे, कितना अरसा रह लेगी वो हमारे साथ। और आपको नहीं पता, आप ही को भी एतराज है उसके यहाँ रहने पर। आप ही की तो खैर है, मुझे खुशी इस बात की है कि अब्बा जान भी शाहीन का ख्याल रखने लगे हैं। आप ठीक कह रहे हैं आतिफ, आपके अब्बा जान तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि उनको कदर है और एहसास है कि शाहीन पे क्या गुजर रही है। शायद यही वजह है कि जब उन्होंने मोहब्बत से शाहीन के सर पे हाथ रखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और रो दी। बहुत मजलूम है बेचारी, बहुत तरस आता है मुझे उस पर, क्या होगा पता नहीं उसका। चलो देखते हैं, अब तो उसने सेंटर भी जाना शुरू कर दिया है, मुमकिन है उसका दिल बहल जाए। तुम बस शाहीन से कह दो कि वो अपना कहीं बंदोबस्त कर ले। आप कैसी बातें कर रही हैं? शाहीन को मैं इस घर में लेके नहीं आई, आतिफ लेकर आए थे। और जब वो जाने का कह रही थी तो आतिफ ने रोका था जबरदस्ती।
अब मैं कैसे कह दूं कि वो चली जाए इस घर से? क्या हुआ? आप इस तरह मुझे क्यों देख रही हैं? इरम, तुम बहुत सीधी हो, बहुत मासूम हो। तुम्हें दुनिया का पता नहीं है। आतिफ मेरा भाई है, लेकिन शाहीन खूबसूरत लड़की है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा रिस्क कभी ना लेती। अब समझाना मेरा काम था और समझ लो तो अच्छा है। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। आतिफ, आतिफ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? बोलें, जवाब दें। इसका सबूत मैं आपसे शादी करके दे चुका। आतिफ मजाक नहीं करें, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप कभी मुझसे बेवफाई नहीं करेंगे, मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, कभी नहीं ना? हाँ, मुझे याद है और मैं अपने वादे पे कायम हूँ। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों आया? बस ऐसे ही अचानक ख्याल आ गया कि दुनिया बहुत बुरी है, डर लगा रहता है। मैं हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत। अरे इरम, क्या बना रही हो? कोफ्ते बना रही थी। आपने, आप बाजार जा रही हैं कुछ लाने के लिए? हाँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं आप ही, माशाल्लाह सब कुछ मौजूद होता है किचन में, मुझे जो भी चाहिए होता है। क्यों नहीं मिलेगा, 15 साल का तजर्बा है किचन संभालने का। अच्छा, मैं चलती हूँ। इरम, वो जो नाजो है ना, एक नंबर की तेज और चालाक लड़की है। मैंने उसको टालने के लिए कम पैसे बताए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे घर में काम करे। अब तुमने उसे रख लिया है तो मुनासिब नहीं लगता, अब उसको कैसे मना करूं? आप ही, मुझे तो कुछ नहीं पता उसके बारे में। मुझे तो अब्बा जान ने मिलवाया था उससे और कहा था बहुत अच्छा काम करती है, रख लो, तो मैंने रख लिया उसे। ये तो और भी खतरे की बात है। खतरे की बात? कैसी खतरे की बात? देखो इरम, ये जो इस तरह की लड़कियां होती हैं ना, ये मासियां वगैरह, ये बड़ी तेज होती हैं। इनको पता होता है कि घर के मर्दों को तो इन मामलात का कुछ पता नहीं होता। बस वो आई होगी अब्बा जान के सामने, रोई गाई होगी, अपनी कोई मजबूरियां बताई होंगी, दस तो उनका दिल पसीज गया होगा। देखो, मैं ये कह रही थी कि तुम उस पे नजर रखना, उसको जरा भी ओझल मत होने देना अपनी नजरों से, वरना असल में तुम जरा थोड़ी सी लापरवाह लड़की हो, अपनी चीजें इधर उधर फेंक देती हो, जरा सी भी इधर उधर हुई ना तो वो अपना काम दिखा जाएगी। नहीं आपी, आपने मुझे बता दिया ना सब कुछ, अब आप देखिएगा, मैं उसको जरा सी देर के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी, और जब कोशिश तो करके देखिए कुछ ले जाने को, फिर देखिएगा मैं रंगे हाथों पकड़ लूंगी उसे। अरे मैं तो तुमको घरदारी के नुक्ते समझा रही हूँ, अगर तुम इसी तरह सीखती रही ना तो इंशाल्लाह पूरे घर का काम जल्दी कामयाबी के साथ संभाल लोगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया। वो बीबी जी, एक बात पूछना थी, आप दोनों सुबह घर पे तो रहती हैं ना? हाँ, घर पे ही होते हैं, तुम क्यों पूछ रही हो? वो आपके ससुर हैं ना, वो अकेले होंगे तो मुझे जरा उलझन होगी काम करने में। कैसी बातें कर रही हो? मेरे ससुर बहुत अच्छे, नेक और शरीफ इंसान हैं। हाँ, शरीफ तो सभी साहब लोग होते हैं, वो हम ही को जरा अपना ख्याल रखना पड़ता है ना कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए। अरे बहन,
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त और किस्मत मुझे मेरी बेटी के घर रहने पे मजबूर कर दे। अरे बहन, आप ये क्यों सोचती हैं कि आप अपनी बेटी के घर पे रह रही हैं? आप ये क्यों नहीं सोचती हैं कि अपनी बहन और बेटे के घर पे रह रही हैं? और अल्लाह रखे, अब आपकी दो नहीं तीन बेटियाँ, दो को तो रुख्सत कर दिया है, अब एक की आपको शादी करनी है। तीसरी कौन है? अपनी गजल। हाँ। अब आप सारी बातें भूल जाएं और कोई मुनासिब सा लड़का देखें। मैं क्या सोच सकती, मेरे दिमाग में तो बस। मैं यही तो कह रही हूँ, अब आप इसी घर को अपना घर समझिए। वो देखिए आ रही है आपकी तीसरी बेटी। आंटी, आपने सुबह को नाश्ता नहीं किया था ना, तो भाभी ने आपके लिए सूप भेजा है। लो भाभी, अब तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जिस चीज़ की तुम फिक्र कर रही हो, मेरी तो दुआ है इस कदर इसके साथ हैं, इतना मेरा ख्याल कर रही है। अल्लाह से सब प्यारा सा मियाँ देगा, देखना मेरी दुआएं बहुत लगती हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है और गल भी गए। अब एक काम करो, गरम गरम चपातियाँ बना लेना और चावल भी उबाल लेना, ठीक है? ये लो, चूल्हा जलाओ। जी बीबी जी, आप जाओ आराम से टीवी देखो, मैं चपातियाँ बना के आपके कमरे में आती हूँ। फिर मुझे काम बताना और फिर कहना अगर नाजू से कोई शिकायत हो जाए तुम्हें। देखते हैं। अरे भाई बहू, क्या पका रही हो तुम ऐसे कि जो पूरा घर खुशबुओं से महक रहा है? अब्बा जान, आपकी बहू ने आज कोफ्ते बनाए और बहुत लजीज हैं, आपको पसंद आएंगे। और चपातियाँ बन रही है, साथ में चावल भी उबाल रहा है। वेरी गुड, तो कोफ्ते जरा कुछ चखाओ तो, ताकि मैं बता दूं तुम्हें, अगर मसाला वसाला कुछ इधर उधर है तो अभी पूरा कर लो। पहलू ये, मैं जाके गेट पे देख रही हूँ, चपातियाँ बना, ठीक है? नाज़ू, एहसान मान मेरा कि तुझे नौकरी मिल गई, वरना मेरी बेटी ने तो तुझे निकाल दिया। वैसे मैं भी आप ही की वजह से यहाँ पे काम कर रही हूँ। आपने मुझसे कहा था ना, पैसे में जो कमी पेशी होगी मैं पूरी कर दूंगा। अरे कर दूंगा, पहले काम तो कर लो। कर तो रही हूँ काम, और क्या काम करूँ? फिलहाल तो भाई बासुन, अपने हाथ से कोफ्ता ही खिला दो। जी, मेरा नाम सबीता है, मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ। अच्छा सबीता, आइए तशरीफ लाइए। आशी हैं। आप ही तो मार्केट तक गई हैं, आपकी उनसे मुलाकात हो चुकी है? मुलाकात तो होती रहती है। आप उनकी भावच है ना, इरम? जी जी, मैं इरम हूँ। कुछ काम था आपको आप ही से? आप ही ने बताया होगा आपको मेरे बारे में। हाँ जी, मुझे आप ही से काम है। मुझसे? मुझसे क्या काम है आपको? आप तो परेशान हो गई। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी मिस्टर इफ्तिकार जी, मैं पड़ोस में ही हूँ, मैं 30 मिनट्स में आपके पास आ जाती हूँ। सॉरी, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो ये है कि आप आइए ना किसी दिन हमारे घर पे, आराम से बैठ के बात होगी। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आऊँगी। क्या नाम बताया आपने? जी सबीता। सबीता, ठीक है जी। ओके जी, ओके, अल्लाह फिर। साहब जी, 100 रुपये तो दे दो ना, अपनी बहू से नजर बचा के। 100 रुपये किस काम के भाई? ये कोफ्ता ही तो खिलाया, उसके 100 रुपये? काम के कब मांग रही हूँ साहब जी, काम के तो महीने बाद मिलेंगे। मुझे तो मोबाइल में कार्ड पड़वाना है ना, दे देना। खिलाया पिलाया कुछ नहीं, मोबाइल में कार्ड डलवा दो। खिलाया तो है ना,
एक कोफ्ता, वो भी मेरा हाथ पकड़ पकड़ के। और ये मैं काम के पैसे थोड़ी मांग रही हूँ, ये तो जो महीने पे आपने हिसाब देना है उसमें से काट लेना, दे दो ना, कार्ड पड़वाना है ना मोबाइल में। तुम तो बहुत महंगी पड़ रही हो नाजी। ये कह रही थी कि इसके पुराने जो मालिक हैं उन्होंने तनख्वाह ही नहीं दी इसको। रो रही थी कि घर जाने के भी पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो चलो 100 रुपये दे दिए कि ये इज्जत से घर चली जाएगी। तुम बेटा ऐसा करना कि इस तनख्वाह पे काट ले। देखो इरम, ये जो इस तरह की लड़कियां होती हैं ना, ये मासियां वगैरह, ये बड़ी तेज होती हैं। इनको पता होता है कि घर के मर्दों को तो इन मामलात का कुछ पता नहीं होता। बस वो आई होगी अब्बा जान के सामने, रोई गाई होगी, अपनी कोई मजबूरियां बताई होंगी, दस तो उनका दिल पसीज गया होगा। देखो मैं ये कह रही थी कि तुम उस पे नजर रखना, उसको जरा भी ओझल मत होने देना अपनी नजरों से, वरना असल में तुम जरा थोड़ी सी लापरवाह लड़की हो, अपनी चीजें इधर उधर फेंक देती हो। जरा सी भी इधर उधर हुई ना तो वो अपना काम दिखा जाएगी। नाजो, तुम्हें आइंदा कुछ भी चाहिए हो तुम सिर्फ मुझसे कहोगी, अब्बा जान को परेशान नहीं करोगी, याद रखना। अरे बाजी जी, आपके ससुर जी तो बहुत शरीफ इंसान है, मुझको तो बिल्कुल अपने अब्बा जैसे लगते हैं, इसीलिए मैंने मांग लिए। वरना मैं जिन घरों में काम करती हूँ साहब लोगों को देखना तक पसंद नहीं करती, कहीं उन्हें गलत फहमी ना हो जाए। तोबा तोबा। सिर्फ दुआ करना मुझे जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ। इंशाल्लाह ज़रूर होगी, इतनी मेहनत जो करते हो। भाई मुझे आपसे बात करनी है। जी क्या बात? भाई मुझे जॉब करनी है। कैसी जॉब? अपनी फीस से रिलेटेड। तुमने बीकॉम किया हुआ है ना? हाँ भाभी, और कराची तो इतना बड़ा शहर है, इतनी सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, मुझे जॉब तो आराम से मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि अहमद तुम कोशिश करो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशंस में तो अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स निकलती रहती होंगी। हाँ हाँ निकलती तो रहती हैं, मगर फिलहाल कोई नहीं है। वैसे गजल तुम अम्मी से इजाज़त ले लो, तुम्हारे बारे में कुछ और ही प्लान्स बना के बैठी हुई हैं। मामा को अपने प्लान पर अमल करने दीजिए और मुझे अपने प्लान पर। हो सकता है मेरी जॉब करने से मामा को अपने प्लान पे अमल करने पे आसानी हो जाए। क्या मतलब? गजल का मतलब है कि अगर इसने जॉब कर ली तो अम्मी को शायद इसकी शादी कराने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। वैसे आइडिया तो अच्छा है, चलो तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ। वैसे अखबारात वगैरह में इश्तेहारात तो आते ही रहते हैं, शायद कोई अच्छी जॉब मिल जाए। थैंक यू भैया, पर भैया अगर मम्मी की तरफ से पंगा हुआ तो? तो मैं हूं ना। ठीक है। इरम तुम यहां पे क्या कर रही हो? आप ही आतिफ के कपड़े प्रेस कर रही हो। मैंने तुम्हें मना किया था, वहां किचन में नाजो अकेली है, मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अकेले मत छोड़ना, उस पे कड़ी नजर रखना, लेकिन आप ही हम साथ ही थे किचन में, सालन बना रहे थे, वो तो 2 मिनट के लिए मुझे बस आना पड़ा आतिफ की शर्ट प्रेस करने को। अरे बेवकूफ लड़की, 2 मिनट भी काफी होते हैं ऐसी औरतों को हाथ की सफाई दिखाने के लिए।
पता नहीं कब समझोगे। चलो अब मैं आ गई हूँ, मैं खुद ही देख लेती हूँ, तुम आराम से अपना काम कर लो। आपी? हाँ। वो आपकी दोस्त आई थी सबीता। जब वो सबीता आई थी तो अब्बू जान कहाँ थे? जी जी किचन में थे। और नाजो? वो भी किचन में थी। हाँ अंकल तो क्या हुआ आप? तुम्हें अब्बा जान से भी कोई शिकायत? हाँ नहीं नहीं अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत ही स्वीट किस्म के इंसान। देखो कौन सी नंद होगी जो अपनी भावच की माँ को अपने घर में बुला कर रखे। मैं तो बस ऐसे ही इंसानियत के नाते कह रही हूँ। आपी की शादी? वैसे कहीं बात चल तो रही है, देखो हो सकता है बात बन जाए उधर। सपनों की ओट में।